जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कपड़ों को धोने एवं अपने शरीर की स्वच्छता के लिए हम सभी अक्सर साबुन का प्रयोग करते हैं क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कभी कभी बार बार अधिक मात्रा में साबुन लगाने पर भी झाग मुश्किल से बनता है और जल से शरीर धो लेने के बाद भी कुछ अघुलनशील सा पदार्थ जमा रहता है आज हम प्रयोग के माध्यम से इसका कारण जानने की कोशिश करेंगे इस प्रयोग में हम मृदु और कठोर जल में साबुन की निर्मलन क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे साथियों वह जल जो साबुन के साथ झाग बनाता है मृदु जल है और वह जल जो साबुन के साथ झाग नहीं बनाता वह कठोर जल है कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों हाइड्रोजन कार्बोनेटों क्लोराइडों सल्फेटों की उपस्थिति से जल में कठोरता पैदा होती है यह लवण जल में विलय है जब भी कठोर जल में साबुन मिलाया जाता है तो यह लवनों से अभिक्रिया करके पृष्ठमल बनाता है जो अविलय है और जल के पृष्ठ पर तैरने लगता है कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों की उपस्थिति के कारण साबुन का अवक्षेपण हो जाता है इसी कारण इसकी निर्मलन क्षमता और झाग देने की क्षमता कम हो जाती है इस प्रयोग के लिए आवश्यक सामग्री एवं उपकरण है भोम जल आसुत जल कैल्शियम क्लोराइड दो ग्राम साबुन का नमूना तीन वॉच ग्लास तीन परख नलियां परख नली स्टैंड तीन कॉर्क तीन बीकर 100 मिलीलीटर कांच की छड़ तीन मापक सिलेंडर 10 मिलीलीटर एक मार्कर पेन एक मापक स्केल त्रिपाठ स्टैंड बर्नर तार की जाली अब हम अपना प्रयोग शुरू करते हैं सबसे पहले हमने बीकर ए में 20 मिलीलीटर आसूत जल लिया है बीकर बी में 20 मिलीलीटर भोम जल लिया है और बीकर सी में 20 मिलीलीटर आसूत जल में हमने 2 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड पूरी तरह से मिलाया है और इसका विलयन तैयार किया है ये अत्यधिक कठोर जल है अब इन तीनों बीकरों में एक एक ग्राम एक ही साबुन का नमूना डालते हैं अलग अलग कांच की छड़ों की मदद से हम इन तीनों बीकरों में साबुन का विलयन तैयार करते हैं हम कांच की छड़ से तब तक हिलाएंगे जब तक कि ये साबुन पूरी तरह से घुल नहीं जाए साथियों इस घोलने की प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए हम इसे गरम कर रहे हैं हम देख रहे हैं ए साबुन का विलयन बन गया है इसे हम उतार कर रख लेते हैं इसी प्रकार हमने भोम जल में एक ग्राम साबुन डालकर इसे पूरी तरह से घोला है और घोलने के लिए इसको गर्म किया है अब सी बीकर में भी हमने एक ग्राम साबुन 20 मिलीलीटर अत्यधिक कठोर जल में डाला है और इसको हम घोल रहे हैं बीकर ए में से तीन मिलीलीटर साबुन का विलयन हम परख नली ए में डालते हैं मार्कर की सहायता से परख नली में भरे साबुन विलयन ए की प्रारंभिक ऊंचाई चिन्हित करते हैं परख नली ए के मुंह पर रख के इसे दस बार ऊपर नीचे हिलाते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस हम देख रहे हैं परख नली ए में झाग उत्पन्न हो गई है अब तत्काल मार्कर की मदद से परख नली ए में उत्पन्न झाग की ऊपरी सतह चिन्हित करते हैं अब मापक स्केल से परख नली ए में उत्पन्न हुई झाक की ऊंचाई की परत मापते हैं यह एक दशमलव आठ सेंटीमीटर है अब मापक सिलेंडर बी से तीन मिलीलीटर बीकर बी का विलयन लेकर इसे परखनली में डालते हैं परख नली में भरे साबुन विलयन की ऊंचाई मार्कर से चिन्हित करते हैं अब परख नली बी के मुख पर कॉर्क रखकर इसे परख नली एक ही तरह ही दस बार ऊपर नीचे हिलाते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस हम देख रहे हैं कि इस बार भी झाग उत्पन्न हो गई है तत्काल मार्कर की मदद से परख नली बी में उत्पन्न हुई झाग की ऊपरी सतह चिन्हित करते हैं मार्कर की सहायता से अब मापक स्केल से परख नली बी में उत्पन्न हुई झाक की स्तह की ऊंचाई मापते हैं यह चार सेंटीमीटर है हम देख रहे हैं परख नली में झाग उत्पन्न हो गई है तत्काल मार्कर की मदद से झाग की ऊपरी सतह चिन्हित करते हैं अब मापक स्केल से परख नली में उत्पन्न झाग की परत की ऊंचाई मापते हैं एक दशमलव एक सेंटीमीटर है अब हम मापक सिलेंडर सी से तीन मिलीलीटर बीकर सी में से विलयन लेते हैं और इसे परखनली सी में डालते हैं अब परखनली सी में भरे हुए साबुन विलयन सी की ऊंचाई चिन्हित करते हैं परख नली सी के मुख पर कॉर्क रखकर इसे भी परख नली ए और बी की तरह दस बार ऊपर नीचे हिलाते हैं एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस साथियों हम देख रहे हैं कि परख नली सी में उत्पन्न झाग ना के बराबर है और परख नली सी में हमें जल के ऊपर पृष्ठमल तैरता हुआ दिखाई दे रहा है हम मार्कर की मदद से इसमें उत्पन्न हुई थोड़ी सी झाग ऊपरी सतह चिन्हित करते हैं आप देख रहे हैं कि प्रारंभिक ऊंचाई और अंतिम ऊंचाई एक समान है अर्थात परख नली सी में उत्पन्न झाग की परत की ऊंचाई लगभग जीरो सेंटीमीटर है परख नली ए बी सी में उत्पन्न हुई झाक की परत की ऊंचाई सारणी में लिखते हैं जो कि इस प्रकार है परख नली ए आसुत जल और साबुन परख नली में उत्पन्न झाक की ऊंचाई एक दशमलव आठ सेंटीमीटर परख नली बी जल और साबुन परख नली में उत्पन्न झाक की ऊंचाई एक दशमलव एक सेंटीमीटर परख नली सी कैल्शियम क्लोराइड वाला कठोर जल और साबुन परख नली में उत्पन्न झाग की ऊंचाई जीरो सेंटीमीटर हमने देखा कि आसुत जल में बने साबुन विलयन से उत्पन्न झाग की मात्रा सबसे ज्यादा है भोम जल से बने साबुन विलयन में उत्पन्न झाग की मात्रा पहले से कम है इसका कारण भोम जल में थोड़ी मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों की उपस्थिति है इन लवणों के कारण साबुन की कुछ मात्रा का आवक्षेपण हो जाता है बचे हुए साबुन से झाग बनी है पर आसूत जल में बनने वाली मात्रा से कम बीकर सी में अत्यधिक कठोर जल से बने साबुन विलयन में झाग उत्पन्न नहीं हुई है और परख नली सी में पृष्ठमल साफ साफ दिखाई दे रहा है ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अत्यधिक कैल्शियम लवण की उपस्थिति के कारण साबुन का अवक्षेपन हो गया है इसी कारण कठोर जल कपड़े धोने एवं नहाने के लिए अनुपयुक्त है इस प्रयोग को करते हुए हमें कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए जो कि इस प्रकार हैं मृदु जल और कठोर जल के लिए साबुन के एक ही प्रतिदर्श का प्रयोग करना चाहिए सभी साबुन विलयनों में साबुन प्रतिदर्श की मात्रा समान होनी चाहिए प्रत्येक साबुन प्रतिदर्श में जल की मात्रा भी समान होनी चाहिए सभी परख नलियाँ समान व्यास वाली होनी चाहिए प्रत्येक विलयन को एक ही प्रकार से समान बार हिलाना चाहिए झाग बनते ही तत्काल उसकी ऊंचाई चिन्हित करनी चाहिए साबुन विलयन बनाने के लिए गर्म करते हुए तार की जाली का प्रयोग अवश्य करना चाहिए